Hello children, Assalamualaikum. I am your maths teacher. I am from class 2. This book is New Countdown, book 2, third edition. Now open page number 2. इस वक्त को हम दोबारा कर रहे हैं ताकि आप लोगों को सही तरीके से समझ में आए. Question number 2 is, which way should hungry crocodile open his mouth? This crocodile likes to eat bigger number. This show bigger. This sign show bigger. So 18 is less than 19. 14 is less than 24. 21 is less than 29. 81 is bigger than 76. 53 is bigger than 51. 51 is bigger than 40. 17 is bigger than 12. 100 is bigger than 99. And 99 is bigger than 66. Question number 3 is, write the number that comes before, after, between. Class, you recognize the number 29 से before आपको पता है 28 आता है, 54, 53. 11 से before 10, 70 से before आएगा 69. 99 is before than 100. 37 is before than 38. 40 is before than 41. After means जो word आपको दिया हुआ है, given word है, उसके बाद जो word आएगा उसको after कहा जाता है. 34 and then 35, 77, 78, 29, 30, 40, 41, 16, 17, 59, 60, 12, 13. C, between. Between means का मतलब होता है दरमियान में. 22, 23, and 24, 39, 40, 41, 98, 99, 100, 55, right here, 56, 57, 48. Right here, 49, 50, 10, 11, 12, 67, 68, right here, 69. So class, do your work, neat and clean. Question, page number 2 is done for you. Assalamualaikum children, मैं class 2 से. This book student book है, The Happy Prince. Novel The Happy Prince student book. Previous class में chapter 1 को हमने learn किया था, read भी किया था, explain भी कर दिया था. आपको activity book का page 1, आपको lesson 1 हमने work में दिया था. अब हम चैप्टर 2 को रीड करेंगे. देयर इज अ लिटिल स्वैलो, यहाँ पर एक छोटा सा परिंदा था. बाय द रिवर, रिवर के किनारे, ही इज लव विद अ ब्यूटीफुल रीड, जिसे इस रीड पौधे से बहुत ज्यादा मोहब्बत थी. द रीड लिव्स विद बाय द रिवर, रीड जो है वो दरिया के पास रहता था. शी इज वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश थी. प्लीज प्लीज कम टू इजिप्ट विद मी, यहाँ आओ
इजिप्ट में सिर्फ मेरे साथ, से द स्वैलो टू द रीड, रीड को स्वैलो ने कहा। द रीड जस्ट स्माइल, रीड सिर्फ मुस्कुराता रहता है। द विंड ब्लोज, हवा चली, एंड शी डांस अ लिटिल, और वो हल्का हल्का डांस करने लगा। विंटर इज कमिंग, सर्दियां आ रही हैं, सेज द स्वैलो, स्वैलो परिंदे ने कहा। इट इज वेरी कोल्ड, यहाँ बहुत सर्दी है। हेयर इज विंटर, यहाँ बहुत सर्दी है। द रीड इज स्टिल स्माइलिंग, पौधा मुस्तकिल मुस्कुराता रहा। बट शी डज नॉट मूव, लेकिन वो मूव नहीं कर सकता। जाहिर है आपको पता है पौधे कहाँ से मूव करेंगे। यू आर नॉट कमिंग विद मी, आप मेरे साथ नहीं आ सकते, सेज द स्वैलो सैडली, स्वैलो ने उस परिंदे ने अफसोस से कहा। आई मस्ट गो नाउ, मुझे यहाँ से जाना है। इट इज गेटिंग कोल्ड, यहाँ बहुत सर्दी हो रही है। ही सेज, उसने कहा। ही इज लेट, उसे देर हो रही थी। देयर आर नो अदर स्वैलो लेफ्ट, यहाँ पे कोई और परिंदा नहीं रहा। गुड बाय माई ब्यूटिफुल रीड, उसने उस पौधे से कहा। मेरे प्यारे पौधे, अल्लाह हाफिज, ही सेज, उसने कहा। देन ही लीव्स, और उसके बाद वो चले गया। ही फ्लाइज साउथ, वो शुमाल की तरफ उड़ गया। इजिप्ट इन द साउथ, और इजिप्ट जो है क्योंकि साउथ में है। चैप्टर टू इस तरीके से कंप्लीट हो गया है। नाउ चिल्ड्रेन, चैप्टर वन एंड चैप्टर टू आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है स्टूडेंट बुक से। नाउ ओपन योर एक्टिविटी बुक, प्रीवियस में हमने चैप्टर वन का पेज नंबर 4 और 5 करवाया था, आज हम चैप्टर नंबर 2 करेंगे। आर द सेंटेंस ट्रू और फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स हमें बताना है। चैप्टर को हमने रीड किया था, तो फर्स्ट द रीड इज नॉट हैप्पी, this is false. Number 2, the swallow must leave before winter comes. Swallow जो है वो winter आने से पहले ही छोड़ गया था. This is true. The swallow flies south to Egypt. This is true. The reed leaves with the swallow. This is also true. बी में आपको मैचिंग करनी है, मैच द पिक्चर्स विद द सेंटेंस। सेंटेंस है, इज इन द, डांसेस इन द विंड, स्माइल्स, इज सैड, फ्लाइज टू इजिप्ट, लीव्स बाय द रिवर। अब आपने चैप्टर टू में रीड किया था जिस सेंटेंस से, जो तमाम सेंटेंसेस स्वैलो ने और जो सेंटेंसेस रीड ने बोला था, तो आपको उससे मैच करना है। इज इन लव, ये स्वैलो ने सेंटेंस बोला था। डांसेस इन द विंड, रीड स्माइल्स जो है वो रीड स्माइल कर रहा था। इज सैड, स्वैलो फ्लाइज टू इजिप्ट, स्वैलो लिव्स बाय द रिवर, दिस इज रीड। मैच द अपोजिट, नंबर 1 सैड, हेलो हॉट, देयर साउथ, ए इज कोल्ड, हैप्पी नॉट, गुड बाय हेयर। सैड को मैच करेंगे अपोजिट से, तो सैड हैप्पी, हेलो गुड बाय, हॉट कोल्ड, देयर हेयर, साउथ नॉर्थ। Now in the page number 7. Question number D is, the swallow is talking to the reed. Swallow जो है वो reed से जो बातें कर रहा है, and the reed is thinking, और जो reed सोच रहा है। Complete the sentence with the word or the short phrases. तो आपको short phrases में आपको इसको complete करना है। Number 1 है, you are dash and I am dash with you. You are very beautiful. And I am in love with you. Are you coming to Egypt with me? Previous lesson में, lesson number 2 में आपने ये तमाम sentences स्वैलो को बोलता हुआ सुना होगा। Oh, you dance beautifully, but I must leave because it is very cold here in winter.
It is getting cold. Are you coming with me? I must go now. There are no other swallows left. I am late. Goodbye, my beautiful reed. The wind blows and the reed dances a little. I am very happy here. Please do not go. She dances again a little. The wind blows again. The reed is smiling but she doesn't move. I am unhappy but I can't. Goodbye, my dear reed. The wind doesn't blow anymore. These are the thinking of reed. Now complete this page number 6 and page number 7. This is your homework, class.